18 तारीख को शहीद अजय कुमार कुमाऊँ की तीसरी पुण्यतिथि है। इस पे मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। जाखल ग्राम भोड़की रोड पे शहीद स्मारक बना हुआ है। 10:15 बजे 18 तारीख राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता सतीश जी पूनिया साहब करेंगे। प्रेम सिंह जी बाजौर हमारे झुंझुनू के सांसद, नरेंद्र जी खिचड़ साहब, जिलाध्यक्ष पवन जी मावंडिया जी, हमारे पूर्व चेयरमैन नगरपालिका नवलगढ़ के सुरेंद्र जी सैनी, मधुजी कुमावत, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री और प्रदेश कार्यालय से जो हमारे प्रदेश के बीजेपी के सोमकांत जी भाई साहब, ये सब पधार करके शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के जितने भी शहीद हुए हैं उनकी वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा और पूरे क्षेत्र के, मुझे लग रहा है जितना मैं जुड़ा हुआ हूं और हम जिस जगह जिस वीरों की धरती पे हमने जन्म लिया है वहां के कण कण में शहीदों के प्रति जितना भाव और मान सम्मान है, तो मैं मानता हूं कि जाखल के अंदर उस दिन शहीद अजय कुमार कुमावत ने अपना देश के लिए बलिदान दे करके जो नाम किया है उसको पूरा समर्पित भाव से उसकी मूर्ति अनावरण करके लिए हजारों लोग शहीद की मूर्ति अनावरण, शहीद को अपना भाव प्रकट करने के लिए और उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों लोग जाखल आएंगे। तो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह से आपकी टीम काम कर रही है? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव में, ढाणियों में, शहर में, सभी जगह सबको अपना अपना क्षेत्र बांट रखा है और मैं ये कह रहा हूं कि सब अपनी अपनी जगह ही काम कर रहे हैं। सुबह वो 8 बजे निकल करके शाम को 8 बजे तक आकर के पूरी रिपोर्ट देते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जाखल हजारों लोग आएंगे। किस जगह पर हुआ समारोह? ये समारोह जाखल में सुंदरदास जी की जाओ में शहीद स्मारक बना हुआ है भोड़की रोड पे, वहां पे होगा। महिलाओं को कहीं से लाने के लिए कोई साधनों की व्यवस्था? हाँ, मतलब महिलाओं को जितने हमारे गांव के आसपास में, क्योंकि गर्मी के मौसम को देखते हुए हमने ये तय किया कि जाखल, सोंथली, बुगाला, कारी, भगेरा, इन सब जगह महिलाओं को खूब निमंत्रण देकर के बाकी पूरे विधानसभा क्षेत्र से हमने युवा बड़े बुजुर्गों को निमंत्रण भी दिया है और उन सबको व्यवस्था भी दी गई है और बहुत लोग सक्षम भी है जो शहीद के नाम से और शहीद के लिए समर्पित भाव से 10:15 बजे दाखिल आएंगे। वीरांगनाओं का सम्मान समारोह भी रखा है आपने? जी सर। कितने ये हमारे नवलगढ़ के अंदर 54 वीरांगनाओं तक अब तक पहुंच चुके हैं, जो कई शहीदों के नाम आगे तक जो नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमारे सैनिक भाई स्वयं खुद मतलब घर घर जाकर के उनको निमंत्रण देके उनके नंबर लेकर के और बराबर उनसे संपर्क करके और उस दिन वो 18 तारीख को जाखल पहुंचे और सब लोग आए हुए अतिथि और शहीद वीरांगनाओं का सम्मान करेंगे। सवा 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। सिर्फ कोई कार्यक्रम ही रखा गया है या कोई रैली का भी आयोजन है गांव में? नहीं, रैली का कोई आयोजन नहीं है, सिर्फ कार्यक्रम रखा गया है शहीद की मूर्ति अनावरण का। बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं को जो भी दिखे जा रहे हैं उनको सबको नवलगढ़ सीमा से आप दीजिए उनके थ्रू। हाँ, ये तो आए हुए मेहमान को हम सबको ध्यान है कि
इनका सबका हमारी परंपरा है, स्वागत करके, सीमा से स्वागत करके और जाखल तक हम सब लेकर जाएंगे। शहीदों के सम्मान में एक नाम सबसे आगे आता है प्रेम सिंह बादल, लगातार राजस्थान भर में मूर्तियां लग रही हैं, तरीके से जाखल काम उनका कैसा जुड़ाव है? प्रेम सिंह जी बाजोर का जाखल क्या पूरे प्रदेश से ही जुड़ाव है। शहीदों के लिए प्रेम सिंह बाजोर ने जितना किया है और मैं जितना जानता हूँ बाजोर साहब के बारे में, शहीदों के प्रति और सबके प्रति उनका भाव सदैव अच्छा रहता है और जाखल शायद प्रेम सिंह जी सबसे पहले आने वालों में से होंगे। तभी मीडिया के पधारे हुए साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि आप सब इतने साथ आकर के और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 18 तारीख को आप लोग यहाँ सीमा पे भी पधारे और जाखल भी पधारे और इस कार्यक्रम को खूब तरीके से आप जितना सफल करवा सकते हो, शायद मेरे नज़र में ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ मीडिया लग जाती है वो हर क्षेत्र सफल होता है और साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से मेरी विशेष अपील है 18 तारीख को 10:15 बजे जाखल आप पधारे और पधार करके शहीद को और शहीद वीरांगनाओं को संबल प्रदान करें। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।